हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर थर्ड, जिसका पहला टॉपिक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको जानने से पहले एक हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो तुम्हारा बेड है और इस पे तुम मस्त सो रहे हो। तुम्हारा बेड है, तुम मस्त इस पे सो रहे हो, यानी कि तुम सो रहे हो, यानी कि तुम रेस्ट पे हो, यानी कि तुम क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो। क्या हो, इक्विलिब्रियम पे। तुम्हारे इक्विलिब्रियम को मान लो डिस्टर्ब कर रहा है कौन, मच्छर तुम्हारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि मच्छर मॉस्किटो का अटैक हो गया तुम्हारे ऊपर, मॉस्किटो का तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया। तो अब क्या हो गया, मॉस्किटो ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो तुम क्या करोगे, तुम सोए रहोगे क्या, नहीं तुम उठोगे, फिर क्या करोगे, तुम मच्छर को मारोगे और फिर से तुम सो जाओगे। तो यानी कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि तुम्हारा मच्छर है वो तुम पे अटैक किया, तो तुम्हारे क्या किया, तुम्हारे इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब किया। जो आपका मच्छर है वो आपका क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। क्या किया, इक्विलिब्रियम के आपके डिस्टर्ब किया, ठीक है, मच्छर ने आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। तो आप क्या किया, आप उस मच्छर को मार दिए और फिर सो गए, मच्छर को मारे और फिर से सो गए। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया कौन, मच्छर, ठीक। और हमने क्या किया, मच्छर को मारा और फिर से इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, सो गए, यानी कि फिर से इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। तो जैसे हम इंसान को एक एक्सटर्नल फैक्टर मच्छर ने डिस्टर्ब किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, हम फिर से अपना इक्विलिब्रियम गेन कर ले रहे हैं, हम फिर से अपना इक्विलिब्रियम गेन कर ले। तो इंसान को मच्छर डिस्टर्ब किया, रिएक्शन को मच्छर नहीं डिस्टर्ब करेगा, रिएक्शन को क्या डिस्टर्ब करेगा, रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा भैया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट और इनर्ट गैस, ये लोग रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये लोग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से क्या होगा भैया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, तो ये लोग भी फिर से अपना इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेंगे। जैसे हम मच्छर को मार के फिर से सो गए, वैसे ये लोग भी ये जो इफेक्ट हो रहा है इसको डिक्रीज करके फिर से सो जाएंगे, यानी कि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। कैसे, तो ये आपको एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए है प्लस बी है, प्रोडक्ट बना सी प्लस डी, ए प्लस बी प्रोडक्ट बन गया सी प्लस डी। यदि मान लो तुम ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दोगे, ए के कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो बताओ रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड, अरे अरे को बढ़ा रहे हो भाई, ये यानी कि ये क्या है, ये सब रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो भैया रिएक्टेंट मतलब मैंने बोला था पानी और इसको बोला था मैंने बादल, तो तुम पानी बढ़ाओगे तो बादल ज्यादा बनेगा ना, तो पानी बढ़ाओगे यानी कि रिएक्टेंट तुम बढ़ा रहे हो, ये बढ़ा रहे हो, एक कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, पानी बढ़ा रहे हो, तो बादल ज्यादा बनेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ना होगा। Yes, और जब एक कंसेंट्रेशन को घटाओगे तो बैकवर्ड होगा, ठीक। अच्छा ये बताओ सी और डी के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि देखो सी और डी के कंसेंट्रेशन का बढ़ाने का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाना, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाना मतलब क्या हुआ, बादल बढ़ाना। और हम पढ़े थे बस से बादल बढ़ेगा तो बस से बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बस से बारिश होगा, बस से बादल बढ़ा, वैसे भी जानते हो बादल ज्यादा हो जाएगा आसमान में तो बारिश होगा ही, बारिश होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा ही, तो डी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो क्या हो रहा है, तुम्हारा ये होगा कि भैया तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, ए के कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज करके या डी के कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज करके। जब तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो रिएक्शन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम को आपको डिस्टर्ब करने की वजह से रिएक्शन में एक मूवमेंट हुआ, क्या, एक में आपने बोला फॉरवर्ड हुआ या फिर बैकवर्ड हुआ, तो ये सब मूवमेंट होंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होंगे, लेकिन वो मूवमेंट थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद फिर से वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्या जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और कमाल की बात ये है कि इक्विलिब्रियम इसमें केवल डिस्टर्ब होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर मान लो ये बढ़ाने घटाने से पहले इसका के का वैल्यू 100 था और तुम ए का कंसेंट्रेशन बढ़ा भी दोगे ना, उसके बाद भी इसका वैल्यू क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो ये लोग
केवल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मच्छर ने आपको काटा, तो मच्छर ने आप सो रहे थे, मच्छर ने आपको डिस्टर्ब किया, क्या किया, डिस्टर्ब किया, लेकिन वो आपको उठा नहीं पाया। ऐसा नहीं किया कि मच्छर काटने लगा, रात को आप सोए हुए, मच्छर काट रहा है तो आप उठ के चले गए कहीं और घूमने चले गए, नहीं, आप फिर से मच्छर को मार के फिर से सो जाओगे। तो जैसे मच्छर आपको केवल डिस्टर्ब कर रहा है, आपके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा है। आप सो रहे थे तो सो ही गए, और जो सोने में एक्सपर्ट हो गए वो बच्चे तो बस कुछ भी हो जाए यार, मच्छर काटे कुछ भी, सोती। फिर समझ नहीं आया सर, टोटली तो चेंज आना चाहिए ना, क्योंकि हमने कुछ एक्सटर्नल दिया है कंसंट्रेशन में। ये सब हम पढ़ेंगे, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम का टॉपिक है, आज ही पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट बाद, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। पहले 100 था तो अभी भी 100 रहेगा, भले ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड होने लगे। रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ये लो मूवमेंट होगा, लेकिन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा कंसेंट्रेशन का इफेक्ट हुआ, किसका, कंसेंट्रेशन का इफेक्ट। तो ये कंसेंट्रेशन, और भी इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम, ये लोग भी इफेक्ट में। तो सिमिलरली प्रेशर वॉल्यूम जो है ना, प्रेशर वॉल्यूम भी या कैटलिस्ट इनर्ट गैस, ये लोग भी बस इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब ही करेंगे, केवल क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसके इक्विलिब्रियम के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज कैसे होगा, तो चेंज तब होगा जब तुम सो रहे थे, अगर उठ के तुम भाग जाओगे ना तो इक्विलिब्रियम को क्या होगा, चेंज होगा। तो कैसे उठ के भागेंगे, तो हम, अच्छा ये बताओ, तुम सो रहे हो और तुम्हारे बेड के नीचे कोई आग लगा दे, तुम्हारे बेड के नीचे कोई आग जला दिया, फायर लगा दिया, तो तुम सोए रहोगे या उठ के भाग जाओगे, उठ के भाग जाएंगे सर, उठ के भागोगे। देखो मच्छर तुमको नहीं उठा पाया, लेकिन कोई ऐसा इंसान है क्या कि वो सोया हुआ है, उसके बेड के नीचे आग लग गया और फिर भी वो सोता रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उठ के आपको भागना ही पड़ेगा। तो यानी कि वो नीचे आग लगाना का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाना। तो टेम्परेचर ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आपको सोए हुए, आप जैसे कुंभकर्ण वाले बच्चे, जो बच्चे बहुत सोते हैं, उनको भी ये टेम्परेचर ही एक ऐसा चीज है जो क्या किया, उसको उठा दिया। तो वो जो है टेम्परेचर आपको, आपके इक्विलिब्रियम को पूरी तरह से डिस्टर्ब ही नहीं किया, चेंज भी कर दिया। जो आप सो रहे थे यानी कि इक्विलिब्रियम पे थे, आप क्या हो गया, आप उठ गए, तो यानी कि क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम पूरी तरह से केवल डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, चेंज हो गया। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो क्या होगा, के वैल्यू को चेंज करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर एकमात्र फैक्टर है जो के वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? Yes, sir. तो अब ये तो हुआ हमारा कुछ कहानी टाइप का। अब ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता क्या है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल यही होता है, जैसे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कोई किया, मच्छर ने डिस्टर्ब किया, तो आप फिर से इक्विलिब्रियम गेन कर रहे हैं। तो वैसे ही ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जब एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, किससे, इन सारे फैक्टर से, तो वो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेगा। जैसे आप फिर से सोना चाह रहे थे, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल भी कहेगा कि रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम गेन करना चाहेगा, और फिर ये सारे फैक्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो कंसंट्रेशन का हम पढ़ ही लिए यहाँ पे कि भैया कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे रिएक्टेंट बादल वाला, हम लोग देखो आगे। अब ये कंसंट्रेशन है, कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, तुम अपने खुद से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्या हुआ बच्चे, रौनक बताइए, कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट का मतलब, हम आते हैं एक एक करके ये सारे पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सबर कीजिए, रुकिए जरा, थोड़ा सबर कीजिए, सब कुछ आएगा। अब आते हैं, अब बोलिए कृष्णा या श्रीवास्तव, जिसको डाउट होगा वही हैंड रेज करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपका एक रिएक्शन है, इसका केसी अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे, CO2 लिखोगे कि नहीं, क्योंकि हम सॉलिड वाले को इग्नोर कर देते थे, ना सॉलिड वाले को इग्नोर। तो देखो ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड वाले को तुम इग्नोर कर दिए, यानी कि केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, CO2 होगा ना। तो अब बताओ, ये सॉलिड को जब इग्नोर ही हम कर दे रहे हैं, तो सॉलिड को तुम बढ़ाओ या घटाओ, तुम्हारे केसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही आपका पॉइंट लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ एनी सॉलिड, कोई सॉलिड तुम ऐड करो, तुम्हारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। आया क्या समझ में? यस सर। तुम्हारे
तुम्हारा किसी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेंट्रेशन का पॉइंट रहा। अब आते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर का तो बहुत आसान किस्सा है। टेम्परेचर होते हैं दो तरह के रिएक्शन, एक होता है आपका भैया इंडो थर्मिक रिएक्शन। अब इंडो थर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो इंडो थर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाए इसका मतलब इंडो थर्मिक। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आइस का मेल्ट होना, आइस का वाटर बनना क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस इंडोथर्मिक है कि नहीं? यस अरे सर, बोलो, देखो आइस यस बर्फ को हीट दिए तो क्या होगा, जब आइस को आइस का टेम्परेचर बढ़ाए तो मेल्ट हो रहा है, ठीक। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हम कह सकते हैं क्या कि आइस मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा मेल्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा मेल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या इंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आइस और ज्यादा मेल्ट होगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्या कह सकते हो क्या? यस सर, आइस जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन इंडोथर्मिया क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन तुम्हारा, जैसे आइस और ज्यादा मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन और ज्यादा मेल्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में जा रहा है। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड में और ज्यादा जा रहा है, आइस और मेल्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है ना। देखो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अरे प्रोडक्ट क्या है, वाटर ही तो है इंडोथर्मिक में, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बना कि नहीं? यस सर बना। यस सर, अप्लाई नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा। आइस मान लो पहले तुम्हारा एक इतना बड़ा आइस है और वाटर क्या है, वो मान लो शुरू में जीरो है, और जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइस मेल्ट करेगा और वाटर बढ़ेगा ना, आइस डिक्रीज करेगा वाटर तो इंक्रीज करेगा ना। यस सर, हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भैया टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और हम ये जानते हैं केसी का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट ही तो होता है, पानी डिवाइडेड बाई बादल करते थे, बादल डिवाइडेड बाई पानी करते थे। वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि के जो होगा प्रोडक्ट के, तुम के जो होगा आप क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, हम ऐसे कह सकते, ऐसे भी कह सकते, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। तो ये दोनों को अगर हम क्लब करें तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएगा तो के बढ़ेगा, बोलो। यस सर, यस सर, ये हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, ध्यान रहेगा ना, अरे ध्यान रहेगा ना। यस सर, तो सिमिलरली तुमको यस एक पॉइंट ध्यान रखना है, इंडोथर्मिक का 100 का तुमको याद नहीं करना है, इंडो का तुम दिमाग में रखो, 100 का इसको ठीक उल्टा कर देना। तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 थर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम होगा, 100 थर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम होगा, और 100 थर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड हो रहा था, तो 100 थर्मिक में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड होगा, ठीक बैकवर्ड है। होगा। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम नीचे बढ़ते हैं, देखो ये के 100 थर्मिक रिएक्शन है, तो 100 थर्मिक में क्या होता है भैया, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, ठीक, अभी हमने पढ़ा, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रिएक्शन बैकवर्ड होगा, चलो लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ये इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, तो लो टेम्परेचर इंक्रीज किए तो के इंक्रीज होगा, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, तो लो रिएक्शन फॉरवर्ड, और टेम्परेचर घटाओगे तो के डिक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड। आया क्या समझ में? ये सारे पॉइंट आप पढ़ यस लीजिएगा। सर, अब ये सारे पॉइंट भी वही सब कह रहा है, फिर से तुम देख लेना एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इंडोथर्मिक दिया यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए, सर, अरे बोलो, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए, और तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है T2 ग्रेटर T1 से दिया हुआ है, T2 ग्रेटर है T1 से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बताओ K2 ग्रेटर K1 से होगा कि नहीं? यस सर,
होगा ना? यस सर, आपका आंसर सी होगा क्या? यस सर, यस सर, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा आई थिंक टेम्परेचर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में, देखते हैं वॉल्यूम कैसे इफेक्ट करता है, वॉल्यूम और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। तो भैया ये वॉल्यूम रहा, तो एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि V I L H ये बहुत काम का ट्रिक है और बहुत जगह यूज होने वाला है। क्या? V I L H। अब ये क्या कहता है? V फॉर वॉल्यूम, I फॉर इंक्रीज, L फॉर लोअर और H फॉर हायर। अभी लोअर हायर मतलब क्या बोला मैंने? मूवमेंट। मूवमेंट जो होगा लोअर टू हायर होगा। यानी कि ये ट्रिक क्या कर रहा है भैया? जब वॉल्यूम तुम बढ़ाओगे, जब तुम वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट लोअर टू हायर होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट तुम्हारा लोअर टू हायर होगा। ट्रिक क्या है? वी आई एल एच। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट लोअर टू हायर होगा, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लो 2A है और ये तुम्हारा B बना, तो लोअर कौन है भैया? ये 1 मोल है ना, तो इसको तुम लोअर बोल दो, और ये 2 है यानी कि ज्यादा मोल है, तो इसको तुम हायर बोल दो। क्या बोल दोगे? हायर। और इस केस में तुमसे पूछे कि बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो हम क्या पढ़े ट्रिक? वी आई एल एस, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट लोअर टू हायर। मूवमेंट क्या होना चाहिए? बैकवर्ड। तो ये लोअर है, ये हायर है, वॉल्यूम इंक्रीज किए, मूवमेंट लोअर टू हायर हुए, यानी कि रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड हुआ। आया क्या समझ में? यस यस सर, तो समझ में आया। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लो 7A है और ये प्रोडक्ट बना 8B में, और तुम बताओ वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कैसे? सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब फिर से हम क्या करेंगे? इसको लोअर लिखेंगे, एल है क्योंकि साथ ही है ना, ये 8 है, और इसको क्या लिख देंगे? हाइयर। ये लोअर, ये हाइयर। वॉल्यूम तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो हमारा ट्रिक क्या था? वी आई एल एच, यानी कि मूवमेंट लोअर टू हाइयर। तो लोअर से जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट लोअर टू हाइयर होगा, तो लोअर टू हाइयर होगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। क्यों? लोअर टू हाइयर। आया क्या समझ में? यस सर, यस सर, यस वॉल्यूम इंक्रीज वाला ट्रिक देख लिए, तो वॉल्यूम डिक्रीज के लिए क्या करोगे? जो तुम्हारा इसमें अगर मान लो ये वॉल्यूम इंक्रीज करने पे बैकवर्ड हो रहा था, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक पलट फॉरवर्ड। जाएगा, ठीक है? और ये भी तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज के फॉरवर्ड हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। तो इंक्रीज वाला तुम ध्यान रखो, डिक्रीज वाला उसके ठीक उल्टा कर देना, ठीक है? तो ये तुम्हारा इंक्रीज डिक्रीज वाला केस। अब दूसरा आता है भैया, इंक्रीज डिक्रीज वाला हो गया, वॉल्यूम का तो हो गया, प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का क्या होगा? तो प्रेशर तो और आसान है, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वी के। तो यस तुम फिर से क्या करना, वॉल्यूम वाला याद रखना और प्रेशर वाला उसके ठीक उल्टा कर देना। मैं क्या बोला? वॉल्यूम वाला याद रखना और प्रेशर वाला ठीक उल्टा कर देना। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैंने क्या बोला। जैसे यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना और ए 2A+C। तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा 2, 1, 3, 3 है ना, तो ये क्या हो गया? ये हायर हो गया, और ये क्या हो गया? 2 ही मोल है, तो ये हो गया लोअर। और पूछ रहा है कि बताइए प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि ये रिएक्शन है और बताओ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो हम प्रेशर के लिए कुछ नया दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? वॉल्यूम वाला ही तरीका अपनाएंगे, वॉल्यूम वाला तरीका। जैसे अब तुम बत, हम सोचेंगे प्रेशर को हटाओ, अब दिमाग नहीं सोच रहे, क्वेश्चन में भले प्रेशर के बारे में पूछा लेकिन हम वॉल्यूम वाला पे चलेंगे। तो तुम बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट क्या होगा? फॉरवर्ड वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि लोअर टू हायर, वी आई एल एच। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड हुआ, और हम जानते हैं
वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड हो रहा है, इट मींस कि प्रेशर आप डिक्रीज कीजिएगा ना तो भी फॉरवर्ड, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया बता, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बताओ क्या होगा, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड होगा। तो हम एक ये ट्रिक से VILH से हम वॉल्यूम का दोनों केस भी देख लिए और प्रेशर का दोनों केस भी हम ध्यान, तो बैकवर्ड होगी ना क्या, क्या बैकवर्ड, हाँ ये प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो बैकवर्ड, प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड होगा, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं, ठीक है, आया क्या समझ में। एक ये ट्रिक से ये समझ आया पे हम कुछ क्वेश्चन कर, अच्छा एक और चीज ये ध्यान देना, अगर मान लो इधर 8A है और इधर भी 8B है, अब तुम लोअर हायर तो तुम पता कर बता दोगे क्या कौन लोअर है कौन हायर, दोनों तो 8A 8 है तो कोई लोअर कोई हायर नहीं है, कोई लोअर कोई हायर नहीं ना, यानी कि डेल्टा इन क्या है, हाँ तो जब डेल्टा इन जीरो रहेगा ना तो तुम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो कितना भी वॉल्यूम इंक्रीज करो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या रहेगा हमेशा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अरे ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना डेल्टा इन अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज होगा, जैसे यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लोअर कोई हायर नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन तुम ये बताओ, इस केस में अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ये क्या है, ये लोअर है और ये क्या है हायर, और हम जानते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ट्रिक क्या था, VILH, VILH लो टू हाई, तो रिएक्शन तुम्हारा क्या हो गया फॉरवर्ड हो गया, तो यही आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, इंक्रीज करोगे वॉल्यूम को तो रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। ये बताओ, ये जी बताओ, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड, ये तुम्हारा लोअर हो गया, ये तुम्हारा हायर हो गया, और हम जानते हैं ट्रिक VILH, तो भैया लोअर टू हायर यानी कि बैकवर्ड, आया क्या समझ में, यस सर। लिखा हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि आप बताओ XY4 का फॉर्मेशन कब होगा, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है X2 प्लस 4Y2 और ये आपको दिया हुआ है 2XY4, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताओ क्या कि XY4 यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ये प्रोडक्ट है ये कब ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तब ना, बादल कब ज्यादा बनेगा, जब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड हो, अरे बोलो, यस सर, ये पूछ रहे हो XY4 ज्यादा कब बनेगा, तो हम जानते हैं XY4 ज्यादा कब बनेगा, यहाँ पे XY4 क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कब ज्यादा हो, हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर पे, ऑप्शन बोलो, आंसर का ऑप्शन बोलो, सी, सी, तो बच्चे आप हैं गलत जवाब इस बार, गोपाल एंड कौन बच्चा एक बोला था मैं देखा नहीं, एक तो गोपाल का आवाज में पहचानता हूँ, बाकी एक और बच्चा बोला, सर बी होगा शायद, बी होगा, अभी देखते हैं, अरे आप लोग आप अपना ना डी 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 सर डी आंसर आप चैट बॉक्स में डाल दो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा दीक्षिता ने बोला डी, ओके, यानी कि देखते कुत्ते अमाउंट से बच्चे का सही है, ठीक है। देखो क्या दे रहा है भैया, दिया हुआ है कि डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, लेस देन जीरो, डेल्टा एच आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया एक्सोथर्मिक, रिएक्शन क्या हो गया एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव दिया है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और हम जानते हैं एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर के डायरेक्टली के या इनवर्सली के, इनवर्सली के, यानी कि हम जानते हैं एक इनवर्सली क्यों होगा, और एक और हम ये चीज पढ़े थे एक्सोथर्मिक में इनवर्सली क्यों होगा, यानी कि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन का के घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के डिक्रीज कर रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, बढ़े ना। इंडोथर्मिक में देखो हमने हम
हमने बोला कि भैया तुम इंडोथर्मिक को ध्यान रखना, 100 अपने आप आ जाएगा। इंडो हमने क्या बोला, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे बर्फ ज्यादा मेल्ट होगा, बर्फ ज्यादा मेल्ट होगा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगा। तो इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। और वैसे भी ये रिलेशन बता ही रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो बताओ टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, रिएक्शन तो फॉरवर्ड चाहिए था ना, रिएक्शन तुम्हें फॉरवर्ड चाहिए, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर तुमको कम रखना है, टेम्परेचर कम रखना है ना, इसका मतलब बोलो। कम टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑप्शन बी हाई है और ये भी हाई टेम्परेचर, तो बी और सी तो गलत, ठीक। अब प्रेशर की मतलब सर डी ठीक। अब अच्छा भी देखते हैं, अब प्रेशर की बात आती है, तो प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अब प्रेशर पे तो हमने कुछ बात ही नहीं किया, हम ध्यान रखे थे वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम वाला फिर से हम तरीका अपनाते हैं। चलो ये क्या है, ये तुम्हारा हायर, ये हायर है ना, एच के भी 4-1-5 मोल है, और ये क्या है लोअर। और हम बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए ना, तो फॉरवर्ड करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करोगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करोगे, लेकिन तुमने वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में तो वॉल्यूम दिया ही नहीं, प्रेशर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या करोगे, प्रेशर को इंक्रीज, प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। आंसर सही था, आंसर क्या होगा, डी होगा। बाकी गोपाल भाई पहले आपका गलत हो गया, और भी बच्चे जो बोल रहे थे उनके गलत आंसर थे, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में किनके किनके सही थे। गोपाल तो या तुम तो सेकंड अटेम्प्ट में डी बोले हो, छाया आप भी सेकंड अटेम्प्ट में शायद बोले हैं डी, बाकी किसी ने लिखा नहीं था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, और ये तो आसान क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि बताओ इसमें इक्विलिब्रियम का जो है प्रेशर पे कोई इफेक्ट ना हो, नो इफेक्ट, कौन से ऑप्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, सर बी जीरो, जब डेल्टा एन जीरो हो जाएगा, छाया एंड जो भी बोल रहे थे सभी के आंसर सही है, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, सर क्या आंसर था उस वाले का, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन, अरे आपने सही बोला था बी, नहीं नहीं आपने क्या बोला था डी, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, आप गलत बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप अच्छे क्या हुआ, ठीक है। नहीं इस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चे मतलब इतनी रात को भी अच्छे से, नहीं सर वो एक्चुअली, नहीं सर वो मैं तो 4:30 बजे वाली क्लास देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज ना वो मेरी मिस हो गई इसलिए। अच्छा आप 4:30 बजे कौन सी बैच है बच्चे आपका, आपका बैच कौन सा है, बैच नंबर सर GP 28, बैच नंबर 28 है, अच्छा कोई नहीं। तो देखो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इनर्ट गैस को ऐड करने से आपका क्या होगा, तो देखो इनर्ट गैस को ऐड करने का मतलब क्या होगा कि ये आपका एक, मान लो ये आपका वेसल है, ये क्या है आपका एक वेसल है, ये या आपका बर्तन है, इसमें आपका एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी आपका एक रिएक्शन हो रहा है, तो ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, देखो हमारा हेडिंग है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि इसमें तुम क्या ऐड करोगे, एक इनर्ट गैस को ऐड कर दो, चलो इनर्ट गैस यानी कि एच ई, हीलियम को तुम एक ऐड कर रहे हो, तो बताओ प्रेशर अगर कांस्टेंट है, यानी कि मान लो वेसल कांस्टेंट है, गैस को तुम ऐड करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना भैया, एक बैलून है, अगर उस बैलून में अगर तुम गैस ऐड करोगे तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा कि नहीं, बताओ। यस सर करेगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, तो भले माना कि चलो ठीक है कांस्टेंट प्रेशर है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा ना, जब इनर्ट गैस को तुम ऐड करोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा टिक वही है VILH, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा
लो टू हायर। तो बस इसमें कुछ नया नहीं दिया, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो मूवमेंट लो टू हाई होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन आप बताना, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है 2A और ये दिया हुआ है 7C प्लस बी, और इसमें बोल रहा है कि बताओ हीलियम ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम ऐड करेंगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन बताओ। कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम को ऐड करेंगे फॉरवर्ड, तो यही हो गया। ये क्या हो गया, ये लोअर, ये क्या हो गया, ये हायर। तो सभी बच्चे सही बोल रहे हैं, लोअर टू हायर मूवमेंट होगा यानी कि फॉरवर्ड होगा। बोलो गोपाल भाई क्या दिक्कत हो गया आपको? सर प्रेशर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर पे ये क्या दिया हुआ है बच्चे, पढ़ो प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट है ना, रिएक्शन के प्रेशर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। नहीं, रिएक्शन पे देखो, ये तुम्हारा मान लो वेसल तुम्हारा ओपन है भैया, वेसल ओपन है तो पहले प्रेशर क्या था 180 तुम गैस ऐड किए तो अभी भी प्रेशर तुम्हारा क्या रहेगा 180 ही रहेगा। प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, प्रेशर तुम्हारा चेंज नहीं होगा। प्रेशर तब चेंज होगा जब तुम्हारा वेसल क्लोज होगा, वो हम सेकंड केस में आएंगे, जो आप बोल रहे हैं ना ये कांस्टेंट वॉल्यूम में, ये सेकंड है। हाँ सेकंड केस में आएगा आपका, जो बात कहना है ना ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका प्रेशर चेंज होगा। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, सेकंड केस होगा। भैया बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा? तो देखो एक तुम्हारा फिर से यही मान लो, एक कुकर है तुम्हारा, प्रेशर कुकर है, इसमें तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है ए से बी हो रहा है, ए से बी हो रहा है। तो ये तुम्हारा ढक्कन बंद है और इसमें तुम एक इनर्ट गैस ऐड किए, हीलियम को ऐड किए, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि ढक्कन बंद है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा? इस केस में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर भले इंक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और हम सारा ट्रिक पढ़ रहे थे VILH पे ही, यानी कि या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम के साथ ही कुछ चेंज हो रहा था, वही पढ़ रहे थे। यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही हो गया, तो आप क्या ध्यान रखिएगा कि भैया जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो ये भी आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि अनअफेक्टेड बाय इक्विलिब्रियम। यानी कि इस केस में तुम कोई भी तुम गैस ऐड करो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये क्वेश्चन है जैसे इसी पे कि यहाँ पे आर्गन ऐड किया जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, आर्गन को ऐड किया जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम आर्गन को ऐड कर रहे हो, एक इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, बताओ क्या रिएक्शन होगा? टू ऑप्शन सी होगा ना, कोई इक्विलिब्रियम में सी होगा सर, सी सी होगा, कोई भी आपके इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, और हम सारा ट्रिक अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्या आ रहे हैं VILH, सब में क्या हो रहा था, वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज हो रहा था, तभी वो सब आगे पीछे जो भी रिएक्शन हो रहा था। भैया जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो कहानी खत्म हो गया ना हमारी सारी। तो आया क्या समझ में? यस सर, यस सर। तो ये समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या और है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो एक बच्चा क्लास के स्टार्ट में ही पूछ रहा था कि सर कैटलिस्ट होता क्या है, तो अब बताते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा बर्तन है, इसमें तुमने दूध रखा है और तुमको पनीर बनाना है, तो पनीर जो का स्पीड मान लो बहुत, दूध जो का फटना बहुत धीरे धीरे से फट रहा है, पनीर धीरे धीरे बनना है, तुम क्या करो, इसमें लेमन ऐड कर दो, नींबू को रस को तुमने ऐड किया, या कोई एसिड को तुम ऐड कर दो, थोड़ा सा लेमन या एसिड तुम ऐड किए, तुम्हारा दूध पनीर में बहुत जल्दी चेंज हो गया। यानी कि ये जो नींबू है ये किस चीज का काम किया? ये तुम्हारा एक कैटलिस्ट का काम किया। तो कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड कर देता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है। आया क्या? जो बच्चे को कैटलिस्ट नहीं पूछ रहे थे कि सर कैटलिस्ट बता दो, तो आपको क्या समझ में आया कि कैटलिस्ट क्या होता है? यस सर, यस सर। कैटलिस्ट जो होता है ना, कैटलिस्ट के केस में इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो होता है ना, इक्विलिब्रियम को कोई असर नहीं करता है, ये ना एक्चुअली डिस्टर्ब भी नहीं करता है। बाकी लोग डिस्टर्ब तो कर रहे थे ना, कंसंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम डिस्टर्ब कर रहे थे ना, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा था ना तो बैकवर्ड हो रहा था,
डिस्टर्ब तो कर रहे थे ना, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं करता है। यानी कि इस केस में तुम समझ सकते हो क्या कि व्हाट इज इंटरमीडिएट। बच्चे इंटरमीडिएट आपको क्लास 12th में बताया जाएगा, बाकी अगर आपको इंटरमीडिएट जानना होगा तो आप क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा देर 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी डाउट इंटरमीडिएट क्या होती है ये मैं बताऊंगा नवीन चौहान। ओके तो ये तो देखो ये अब कैटलिस्ट क्या रहा, कैटलिस्ट जो ऐसा रहा भैया, हाँ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हम देख रहे थे कि कैटलिस्ट का रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बाकी लोग तो डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे तुम्हारा कंसेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम डिस्टर्ब कर रहा था, ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा रिएक्शन को, फॉरवर्ड बैकवर्ड में डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो इस केस में तुम मान लो ये सोच लो कि तुम सो रहे हो, नेट लगा के सो रहे हो, नेट लगा के सो रहे हो, तो मच्छर कितना भी कोशिश करे तुम्हारे इक्विलिब्रियम को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये जो कैटलिस्ट वाला केस क्या हो गया, वही नेट मान लो नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देखो 3 तरह के केस पड़े, एक में तुम सो रहे हो ऐसे मच्छर आकर डिस्टर्ब किया, तो मच्छर का डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम क्या हो रहा है फिर से उठे मच्छर मारे फिर से हो गया इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, तो वो कैसा केस रहा, वो हुआ प्रेशर वॉल्यूम वाला केस रहा और कंसंट्रेशन वाला केस। मतलब कैटलिस्ट ऐड करने के बाद किसी भी फिजिकल चीज मतलब वॉल्यूम वगैरह में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट ऐड करने, कैटलिस्ट एकदम थोड़ा सा ऐड करते हैं बच्चे एकदम नन्हा सा, ऐसा नहीं है कैटलिस्ट। अच्छा नींबू का रस कितना डाले दूध को ये करने में, दूध को पनीर में चेंज करने में, हाँ तो वैसे ही कैटलिस्ट बहुत नन्हा सा यूज करते हैं, ठीक है ना। और जनरली कैटलिस्ट ना बच्चे सॉलिड होता है, कैटलिस्ट ना जनरली सॉलिड हम लोग लेते हैं, तो सॉलिड को तुम वैसे भी हम लोग इग्नोर कर दिए थे ना, ऊपर ही हमने इग्नोर कर दिया था ना सॉलिड को, वो हमेशा होगा। कैटलिस्ट अकेले की बात करें, जब आप कैटलिस्ट अकेले रखिएगा तब क्या होगा, वो सारे इफेक्ट देखते रहेंगे, वो सभी इफेक्ट जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वो हमेशा एज इट इज वर्क करते रहेगा, ठीक है ना। ओके तो ये आपका कैटलिस्ट रहा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज करेगा बताओ। टेंपरेचर बी, क्या बोले, डी 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 टेम्परेचर ही एक बोले ना कि टेम्परेचर ही एक ऐसा था जहां पे तुम सो रहे थे तुम्हारे बेड के नीचे आग लगा तुम उठ के भागे, यानी कि तुम्हारा के चेंज हो रहा है, मात्र एक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या के, के किस पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इसी में तो हमने पढ़ा था ना इंडो में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी में, और एक्सो में एक्सोथर्मिक में क्या हो गया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हमने यही पे तो पढ़ा था भैया, तो एकमात्र टेम्परेचर है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है क्या, ये अब समझ आता है। देखो अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे ना ये क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, हम जब रिएक्शन हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने बताया था इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। तो ये सारे ए बी ये सब क्या है, ये सब ए से बी हम जो बना रहे हैं सब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम था। अगर मान लो फिजिकल इक्विलिब्रियम रहेगा तो अब हम लोअर हायर पता ही नहीं कर पाएंगे, तब प्रेशर का असर क्या होगा, तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से क्या होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा सॉलिड है और ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैस में और तुमसे पूछ रहा है बताओ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन लोअर कौन हायर ये तो आप बता नहीं पाओगे, लोअर हायर हम नहीं ना बता पाएंगे यहाँ पे। तो इसका ये तरीका है कि तुम ध्यान रखना प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, क्या ध्यान रखोगे प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, ये पता है ना पी बी बराबर एन आर टी, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। यस सर। तो तुम बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा सॉलिड या गैस का, गैस गैस का वॉल्यूम ज्यादा और सॉलिड का वॉल्यूम कम, और हम जानते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो मूवमेंट वहां होगा जहां वॉल्यूम कम हो, क्या हो, कम है, मतलब बैकवर्ड में रहेगी, यानी कि ये इधर वॉल्यूम कम है तो ये रिएक्शन तुम्हारा प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बैकवर्ड, बैकवर्ड होगा। और यही क्वेश्चन है बोले कि बताओ प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, तो प्रेशर घटाओगे यानी कि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर घटाओगे तो जहां वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कहां जाता है प्रोडक्ट में, तो लो इसको आगे कर दो फॉरवर्ड।
आया क्या समझ में? यस सर। तो आया समझ में, तो ये बताना, ये समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, आइस लिखा और ये लिखा वाटर, क्या लिखा, आइस और वाटर। अब बता वॉल्यूम किसका ज्यादा? वाटर। वाटर, वाटर की ज्यादा। गलत, वॉल्यूम आइस की ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी आइस की ज्यादा, नो सर, वॉल्यूम आइस की ज्यादा होती है, वाटर की वॉल्यूम कम होती है। तुम सही बोल रहे थे, डेंसिटी आइस की कम होती है, सही बोल रहे थे तुम। जब आइस को तुम बर्फ पे रखो, ये पानी पे रखोगे ना तो आइस फ्लोट करता है, फ्लोट करता है, आइस की डेंसिटी कम होती है। यस सर। सर वाटर का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा? नहीं, अरे अभी जैसे बोले ना कि भैया तुम वाटर पे तुम आइस को रखेगा तो आइस फ्लोट करता है, यानी कि आइस की डेंसिटी कम है और वॉल्यूम की डेंसिटी ज्यादा है। वॉल्यूम आइस की डेंसिटी कम है और जिसकी डेंसिटी कम होती है ना उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। अच्छा सर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अरे पूरा ये छोड़ो, ये सारी बात हटाओ, ये हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। देखो तुम क्या करना, तुम घर पे एक बॉटल लेना, एक तुम्हारा मान लो स्प्राइट वगैरह कुछ का बॉटल है, इसमें तुम पानी इतना भर देना और एक मार्कर से यहाँ पे मार्क कर देना और इसको फ्रिज में तुम रख देना, और जब तुम देखना ना, जब तुम्हारा पानी जमेगा ना तो ये तुम्हारा बर्फ ऊपर तक आ जाएगा, थोड़ा तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जब आइस बर्फ जमने पे क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब बर्फ जमता है ना तो उसके बीच में ना वो एक होता है ना वैकेंट क्रिएट होता है, ये जब तुम सॉलिड स्टेट जब सॉलिड स्टेट चैप्टर एक पढ़ोगे क्लास 12th में तो उसमें तुम देख लोगे। अभी फिलहाल तुम घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक बॉटल में पानी रखना और उसको फ्रिज में जमाना, वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा जमने के बाद, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम किसका ज्यादा हुआ, आइस का ज्यादा हुआ, वाटर कम। अब बताओ प्रेशर इसमें इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वाटर की तरफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड, कौन सा इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड मूव करेगा जब प्रेशर अप्लाई करोगे, यानी प्रेशर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड होगा, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, ये बताओ आई टू गैस है और आई टू सॉलिड है, प्रेशर किसका ज्यादा, भले वॉल्यूम किसका ज्यादा? गैस, गैस का, गैस, और इसके ज्यादा, और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगा, लेकिन हमें तो पूछा था बैकवर्ड, तो ये हमारा आंसर गलत है। अच्छा ये बताओ वाटर और आइस में किसका वॉल्यूम ज्यादा? आइस का, आइस आइस का, आइस वाला सही होगा, और वाटर का कम। अब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, बैकवर्ड सी का सही ऑप्शन। आप बोल रहे थे गोपाल गलत है, देखो बाकी बच्चे गलत बोल देंगे तब मुझे पता भी चल जाएगा, वरना मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं पता चले कि कौन बोला गलत, लेकिन आपका आवाज मैं पहचानता हूँ तो आप गलत बोलिएगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। अच्छा तो अब आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो जो आपका जो डाउट था ना कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो पहले बोल रहे थे गोपाल आप डाउट, अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा डिग्री ऑफ, अच्छा डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटना, तो टूटना मतलब क्या टूटेगा? अच्छा कोई एक रिएक्टेंट है, मान लो HA है तो ये टूटेगा H+, जैसे NaCl कैसे टूटता है वैसे ही, मान लो ये HA है तो ये टूटा H+ और अलग, हाँ H+ और A- में टूट गया, ठीक। तो मान लो ये स्टार्टिंग में एट टाइम जीरो है, तो यदि रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है, मान लो HA तुम्हारा एक मोल दिया हुआ है, क्या है एक मोल है, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमेशा जीरो रहेगा, प्रोडक्ट ये ध्यान रखना प्रोडक्ट हमेशा स्टार्टिंग में जीरो रखना है। क्यों जीरो रखना है कि भैया जब रिएक्शन शुरू किए तुम गैस पे पानी रखे, थोड़ा देर रुकोगे पानी बॉयल होगा वेपर बनेगा तब जाके बादल बनेगा ना, तो थोड़ा रुको थोड़ा सेवर करो तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो, रिएक्टेंट तुम्हारा मान लो एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पानी को तुम गैस पे रखे और गैस जलाए,
तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बन रहा है, यानी कि पानी कम हुआ कि नहीं धीरे धीरे बताओ। यस सर। तो पानी मान लो कम हुआ, पहले एक ग्लास तुमने पानी रखा था, तुमने गैस जलाया, पानी एक ग्लास से कम हुआ, मान लो अल्फा अमाउंट ऑफ पानी कम हो गया, तो कितना पानी बचा? अल्फा अगर मान लो निकल गया तो कितना पानी बचा? वन माइनस अल्फा बचा। तो भैया अल्फा निकल गया, तो जितना अल्फा निकलेगा उतना ही भेपर बन के ऊपर जाएगा ना, तो ये अल्फा का कमी हुआ, अल्फा गेन करेगा, प्लस अल्फा गेन किया। ठीक, तो ये आपका कब की बात है, ये टी इक्वल टू जीरो पे था और ये टी आपका इक्विलिब्रियम पे ये बात है। ठीक, अब ये अल्फा क्या है, तो यही अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही अल्फा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। अब तुम कहोगे कि सर ये सब पढ़ने से क्या फायदा क्या हुआ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर तुमसे कोई मान लो एचए का कंसेंट्रेशन पूछे एट इक्विलिब्रियम, तो क्या कहोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ एचए क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा। कंसेंट्रेशन अगर कोई एच प्लस पूछ दे इक्विलिब्रियम पे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। ए माइनस पूछ दे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इस तरह से तुम कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक ये बेसिक बात हुई, और थोड़ा इस पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। ये मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, PCl 5 है और ये तुम्हारा PCl 3 प्लस Cl 2 हुआ। टाइम अगर जीरो पे ये एक मोल था तो ये क्या था, जीरो जीरो, हमेशा टाइम जीरो। टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे ये कुछ चेंज होगा, वन में से ये कम हो गया, मान लो वन माइनस अल्फा हुआ तो क्या होगा, प्लस अल्फा, प्लस अल्फा। ठीक, अच्छा एक ग्लास पानी था, तो एक एक ग्लास पानी था तो अल्फा अमाउंट ऑफ बादल बन रहा, कितना बना, अल्फा। अगर 10 ग्लास पानी रहेगा तो 10 अल्फा बादल नहीं बनेगा, बोलो। यस सर। तो 10 यहाँ पे हम 10 करेंगे तो क्या होगा, चेंज कितना हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस अल्फा, 10 अल्फा। भैया 10 ग्लास पानी में एक ग्लास में अल्फा बादल बन रहा, तो 10 में 10 अल्फा बनेगा ना, तो 10 अल्फा बन गया, यानी कि 10 अल्फा नहीं होगा, तो वो 10 अल्फा हुआ। यस सर। ये भी 10 अल्फा और ये भी 10 अल्फा। अरे आ रहा है क्या समझ में? यस सर। अगर मान लो ये एक था तो अल्फा बना। यस सर। तो अगर ये सी रहता तो ये क्या बनता, ये सी अल्फा नहीं बनता। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ये इसको हम सी करते हैं, इसको सी किया तो हम ये चेंज क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, तो ये क्या बचेगा, सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब इसमें भी तुमसे कोई पूछे कि बताओ सीएल टू का कंसेंट्रेशन बताओ एट इक्विलिब्रियम, तो तुम नहीं कह दोगे सी अल्फा, सी अल्फा। वैसे ही अगर इसका कंसेंट्रेशन पूछ देगा तो कह दोगे इसका भी सी अल्फा और इसका क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंसेंट्रेशन वाले बात हो गया। अब अगर मान लो इसमें तुमसे के इक्विलिब्रियम पूछ दे, केसी का वैल्यू पूछ दे, तो वही अपना पुराना तरीका, क्या पुराना तरीका भैया, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पीसीएल थ्री इंटू सीएल टू डिवाइडेड बाई पीसीएल फाइव, यही होता है ना। अरे बोलो। yes, sir. Yes, sir. अच्छा पीसीएल थ्री का वैल्यू क्या दिए हुए, सी अल्फा, और C minus C alpha। अब देखो अब क्या होगा, तुम C alpha को common निकाल लोगे नीचे वाले से, तो क्या हो जाएगा, C alpha into C alpha divided by C one minus alpha, और ये C से C कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा, C alpha square divided by one minus alpha। KC का value क्या बचा, C alpha square upon one minus alpha। ये जो हमारा आया ये इक्वेशन, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत यूज पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या, ये यस सर, यस सर। तो आगे समझे, तो अब थोड़ा और इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब कहलाएगा, जब रिएक्टेंट हमेशा एक मोल है, एक मोल है, तो यही अगर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कब कहिएगा, ये जो होता है फ्रैक्शन होगा, वन मोल जो हो, वन मोल रिएक्टेंट डिसोसिएट करे प्रोडक्ट में, एक मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिसोसिएट करेगा, तो वो जो अल्फा आ रहा है ये क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। और इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल टेकन, तो ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये काम करता है, क्या बच्चे,
सर एक मोमोज ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। आवाज आपका कट रहा है गोपाल। एक मोल से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, एक मोल से ज्यादा रहेगा ना, तो ये सब एप्लीकेबल तो है ही। यहाँ पे देखो सी माइनस सी अल्फा का है, लेकिन एक मोल से ज्यादा के लिए ना, देखो ये सी अल्फा हो गया ना बच्चे, सी अल्फा हो गया, और अल्फा को हम बोलते हैं ना डिग्री ऑफ डिसिशन। ये क्या हो गया, सी से मल्टीप्लाई कर गया अल्फा। देखो ये क्या है, एक अल्फा जो कब होता है ना, एक स्टैंडर्ड टर्म हो गया कि एक मोल डिसोसिएट करे तो, ठीक है ना। बाकी ये रूल हर जगह लगेगा, ये हर जगह रूल लगेगा। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक जनरल एग्जांपल है कि एक मोल टूटना चाहिए। अब देखो ये क्या कर रहा है, अल्फा का वैल्यू अगर मान लो जीरो हो जाए, तो अल्फा अगर जीरो हो गया तो कोई तो टूटेगा ही नहीं, तो क्या होगा, नो डिसोसिएशन। और अल्फा का वैल्यू यदि वन हो गया तो क्या हो गया, टूट गया 100% डिसोसिएशन, सारे टूट गए। अल्फा जीरो है तो कुछ नहीं टूटा, अल्फा वन हो गया तो सारे टूट गए, ठीक। तो यही आपका लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू फिर कहां से होगा, जीरो से वन के बीच लाई होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम ध्यान रखना कि ये हम क्या करें, टूटना। अगर मान लो एक लड्डू है, 100 ग्राम का कोई लड्डू है, अगर इसको हम तोड़े, मान लो इसको हम लिए और इसको मार मार के ऐसे बहुत ज्यादा टुकड़े कर दिए, तो क्या टुकड़ा करने के बाद में इसका वेट करेंगे तो क्या 100 ग्राम का लड्डू 200 ग्राम हो जाएगा क्या, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि तुम कितना भी इसको ब्रेक कर दो, ये अल्फ जो अगर मान लो इनिशियल 100 है तो इससे कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कभी भी ये इनिशियल से ज्यादा नहीं हो सकता टूटने के बाद में, ठीक है। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, PCl5 है और ये PCl3 प्लस Cl2 दिया हुआ है, और स्टार्टिंग मोल दिया हुआ है PCl5 का स्टार्टिंग मोल 1 मोल दिया है, टाइम 0 पे ये 1 मोल दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या, 0.4, और पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे तुम PCl5 और ये सबका कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बता दो, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। तो देखो हम कैसे अप्रोच लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टाइम 0 पे PCl5 क्या दिया हुआ है, 1 मोल, तो टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। हाँ आपने तो आंसर ही सही बोल दिया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 0.4 है, तो 0.4 है तो 1 माइनस 0.4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.6। ये क्या बना, ये तो 0.4 दिया ही हुआ था, तो इसके जगह पे क्या होगा, 0.4 और क्या होगा, 0.4। तो इक्विलिब्रियम पे कोई मोल पूछे, इक्विलिब्रियम पे कोई मोल पूछेगा क्लोरीन का तो क्या होगा, 0.4। PCl3 का कोई मोल पूछेगा तो क्या होगा, 0.4, और PCl5 का कोई मोल पूछे तो 0.6। लेकिन क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है। देखो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करना, मोल बाय वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम तो, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया हुआ ना, 1 लीटर, तो लो एक से डिवाइड कर दो, एक से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन, तो सेम ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आया क्या समझ में? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका NCERT के बुक के क्वेश्चन नंबर 7.4 है। क्या कह रहा है, देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है CO+H2O, इसको आप घर से कीजिएगा, CO2+H2, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, और इनिशियल मोल दिया हुआ है किसका, CO और H2O का इनिशियल मोल दिया हुआ है कितना, 0.1 और 0.1। अच्छा ये T=0 पे दिया हुआ है, ठीक, तो ये क्या होगा, ये तो 0 होगा, अरे 0 होगा ना, टाइम yes, yes, अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये लोग घटेंगे, टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा भैया, ये टी इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0.1 माइनस x हो जाएगा, तो ये x घट रहा है तो क्या होगा, x ही इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं, यस सर। तो अगर इक्विलिब्रियम, अगर मान लो केसी अगर कोई पूछे तो क्या लिखेगा, प्रोडक्ट यानी कि x इंटू x नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि स्क्वायर, तो यानी कि अगर पूछेगा तो आप क्या लिख दोगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 0.1 माइनस x है, ये भी 0.1 माइनस x है, यानी कि 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और केसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, केसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4.24, केसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4.24। अच्छा केसी, यहाँ पे तुम केसी की जगह पे 4.24 रख दोगे तो एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा, यस सर, एक्स
स्क्वायर है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू 0.067 और एक x का वैल्यू आएगा 0.194 आएगा। अब तुम देखो स्टार्ट किए थे तुम x कितना लेके, भैया स्टार्ट तुम्हारा लड्डू कितना था, 0.1 ही था, क्या ये टूटने के बाद में 0.194 हो जाएगा क्या? नो सर, ये तो बढ़ेगा no, सर। तो ये no, तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको काटो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या हुआ ये, तो आपका x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे आ गया, तो जो x है वही तो H2 का कंसंट्रेशन है, बताओ। और क्वेश्चन में H2 का कंसंट्रेशन ही पूछ रहा था, तो जो x है वही तो H2 का कंसंट्रेशन है, लिख नहीं दोगे? यस यस सर, वही CO2 का भी कंसंट्रेशन हो जाएगा, और ये दोनों का कंसंट्रेशन आपको पता चल गया, ठीक। और CO और H2 का कंसंट्रेशन कोई पूछेगा तो क्या होगा, 0.1 में से x को तो माइनस कर दोगे, तो ये तुम्हारा अब निकल जाएगा कि नहीं, बताओ। तो ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार घर पे सॉल्व कीजिएगा। अब ये आज के क्लास का मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत आसान है, तीन पॉइंट है, मत बस 2 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोग नोट नंबर 1 देखिएगा, क्या यदि रिएक्शन ए से बी हो रहा है, के का वैल्यू एक्स है, तो रिएक्शन बी से ए होगा तो के का वैल्यू 1/x हो जाएगा, ये सबको ध्यान रहेगा क्या? Yes, sir. कि रिएक्शन को पलटोगे तो के पलट देना है, रिएक्शन पलटोगे तो के पलट देना है, ठीक है। दूसरा नोट क्या कहता है कि भैया ए से बी है और रिएक्शन को दोगुना कर दो, यानी कि इसको टू किए, इसको टू किए, अगर इसका वैल्यू के है, के इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के इज इक्वल टू एक्स का पावर 2x, एक्स यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किए ना, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मान लो 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो तुम मल्टीप्लाई करोगे या जो तुम डिवाइड करोगे उतना ही इसके पावर में चला जाएगा, आया क्या समझ में सर? ये सर। और थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि भैया यदि रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ए से बी दिया हुआ है और के का वैल्यू एक्स है, फिर बी से सी दिया हुआ है, के का वैल्यू वाई है, तो इन दोनों को अगर तुम मान लो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी और ये क्या बना, बी प्लस सी। तो ये जब दोनों को ऐड करोगे तो के का जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई, हाँ, तो दो रिएक्शन को तुम ऐड करोगे तो के का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ऐड करोगे तो ये बी से बी कट गया, यानी कि ए से सी तुम्हारा होगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ ए से सी। अब तुम देखो एक ये अगर मान लो क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इसको हमको ऐसे नहीं करना है, हम यही पे काट लेंगे, ऐड करेंगे ना तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, कैसे ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, देखो ये बी इधर है, ये बी इधर, इधर ही काट दो, बच क्या गया ए सी, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर यस सर यस सर, इसका तुम के वैल्यू देना, ए है, ए से बी गया और के का वैल्यू यदि 10 है, ठीक, बी से सी गया, के का वैल्यू यदि 20 है, सी से डी कन्वर्ट हो रहा है, के का वैल्यू यदि 30 है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ ए से डी कन्वर्ट होगा तो के का वैल्यू बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। अरे क्या कर रहा है एक्चुअली, देखो इधर देखो ये ऐड ही तो कर रहा है, ए से डी का मतलब 6000, तीनों को ऐड करोगे देखो ये बी से बी कट जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, बच गया ए से डी नहीं बचा 300, तो ए से, अरे 300 आएगा सर। अरे बच्चे कहां हो भाई, 6000 सर भैया, तीनों घर तो तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 300 कैसे होने लगा भैया, 3 × 2 1000, बच्चे लग रहे हैं हम नींद में आ गए हैं, मतलब जो क्लासेस जो है अब टाइम हो गया ना, तो बच्चे को असर दिखा रहा है क्लास का, तो ये क्वेश्चन अच्छा भैया, ये क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने पढ़ाया उसी पे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
ये आपको बोल रहा है बताइए इसका के का वैल्यू, ये एक रिएक्शन का के का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो एनो तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन में तुम्हारा एनो रिएक्टेंट है, एनो क्या है रिएक्टेंट है, और ये एनो तुम्हारा क्या है प्रोडक्ट है। तो हम कैसे के निकालेंगे, तो देखो ये अच्छा मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आपको पोल देता हूँ, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और फिर बात करते हैं।